नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफी मेरे पास कमेंट्स आए थे इसके लिए कि इस टॉपिक पे आप एक वीडियो जरूर बनाएं, तो मैं उसी टॉपिक पे आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, अपने सिग्नेचर सिग्नेचर जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा बैंक से रिलेटेड टॉपिक है, हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड यानी कि पैसों से रिलेटेड टॉपिक है। तो सिग्नेचर के ऊपर मैं बात करने से पहले आपको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले कि कितनी कैटेगरी के लोग होते हैं, और उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये सिग्नेचर बता देंगे कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति, फर्स्ट नंबर का व्यक्ति ऐसा होता है जो खामा खा दुखी होता है, मतलब बेफालतू में ही बिना किसी टॉपिक के दुखी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच ही चल रहा है और उसमें क्रिकेट मैच में खामा खा परेशान हो रहा है कि भाई ये आज हमको जो सहवाग है ये तो मरा के छोड़ेगा, मतलब ये अगर अच्छा नहीं खेलेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है, मतलब खामा खा दुखी है। उससे उनको ना तो कोई प्रॉफिट होने वाला है ना कोई लॉस होने वाला है, लेकिन मतलब हर किसी भी छोटी से छोटी दिक्कत, छोटी से छोटी परेशानी जो होती है जो कोई मैटर भी नहीं रखती, उससे वो खामा खा परेशान रहते हैं। और सेकेंड जो कैटेगरी आती है, दूसरी जो कैटेगरी आती है, वो लोग होते हैं दूसरों के दुखों से, दूसरों के जो दुख हैं उनसे सुखी। तो ऐसी जो कैटेगरी है, सेंटर वाली जो कैटेगरी है, ये सब सबसे बेस्ट कैटेगरी है कि दूसरों के दुख से जो परेशान लोग होते हैं। कि अगर कोई आदमी परेशान चल रहा है, या कि कोई आदमी मान लीजिए ठंड में परेशान चल रहा है तो उसको कंबल दे दिया, या फिर किसी भी तरीके से कोई हेल्पलेस व्यक्ति है जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर पा रहा तो उसकी हेल्प कर दी। तो ये लोग होते हैं जो दूसरों के दुखों से सुखी होते हैं, उन इनको संतुष्टि मिलती है किसी की हेल्प करते समय। और मेन हमारी लाइफ का जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि हमको दूसरों के जो दुख है उससे परेशानी होनी चाहिए और उनके दुख को हमको समझना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी जो लोग है वो है दूसरों के सुखों से दुखी। 90% या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐसे लोग ही हैं जो दूसरों के सुखों से दुखी रहते हैं। यानी अगर पड़ोस वाला व्यक्ति कोई कार लेके आ गया तो हमको परेशानी होने वाली है, पड़ोस वाला व्यक्ति अगर कोई नई चीज खरीद के लाया तो हमको परेशानी होने वाली है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं हमको। कुल मिला के ना तो खामा खा दुखी रहना है, ना हमको दूसरों के सुखों से दुखी रहना है, हमको इस सेंटर कैटेगरी में आना है कि दूसरों की जो परेशानियां हैं, दिक्कत, उससे हमें परेशानी होनी चाहिए और उसमें हमें सुख की तलाश करनी चाहिए। अगर ऐसा आप कर पाए तो लाइफ 100% इसी को आप कह पाएंगे कि ये सक्सेस लाइफ है। तो बात करते हैं आज टॉपिक के ऊपर कि सिग्नेचर के किस तरह के सिग्नेचर, किस तरह का सामने वाले का व्यवहार बताते हैं। व्यवहार के साथ साथ आप अपने बैंक बैलेंस को भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर कुछ चेंजेस आप अपने सिग्नेचर में करेंगे। तो दो कैटेगरी में मैंने सिग्नेचर को बांटा है यहाँ पर। एक कैटेगरी है जो बिल्कुल क्लियर सिग्नेचर है, बिल्कुल साफ सुथरे सिग्नेचर है, देखते लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से सामने वाले व्यक्ति ने सिग्नेचर किया है। और एक सिग्नेचर होते हैं थोड़े टूटे फूटे से, मतलब अगर आप उसको देखेंगे या फिर सामने वाला व्यक्ति भी उसको करेगा तो 2-3 बार अगर उससे आप सिग्नेचर करवाएंगे तो मेरे ख्याल से दोनों तीनों बारों में हल्का फुल्का वो मिसमैच सिग्नेचर होगा। तो ये जो कैटेगरी है, ये मिसमैच सिग्नेचर की जो कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है, जो स्मूथ कैटेगरी है, ये बेहतरीन दिमाग को शो करता है, अच्छे दिमाग को शो करता है, इनका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम करता है, यानी कि ब्रेन का जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया है, ठीक है। थोड़े क्रिएटिव टाइप के लोग भी ये होते हैं, और जिनके ये इस तरह के टूटे फूटे साइन होते हैं, थोड़े से बिगड़े हुए से साइन होते हैं, जो खुद भी कई बार परेशान होते रहते हैं बैंकों के अंदर, क्योंकि बैंक में अगर वो चेक दे देते हैं या फिर विड्रॉल फॉर्म पे साइन करते हैं तो उनका साइन जो मैच नहीं होता है तो वापस वो वेरिफिकेशन कराते हैं, ऐसी परेशानियां इनके सामने आती है। तो ये लोग ऐसे हैं जो लाइफ में चैलेंजेस जो है वो फेस करते रहते हैं, परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो इन लोगों को मैं थोड़ी सी राय देना चाहूंगा, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो माइंड को आपके बैलेंस फॉर्म में लाना, यानी कि प्रॉपर 3D डायमेंशन जो है ब्रेन का उसको सही करना है आपको, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाला है, जो आपकी अड़चने दिक्कतें आ रही है वो सब आपकी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन ऐसे लोग जो अपने सिग्नेचर के अंदर जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, यानी कि पहला जो अल्फाबेट होता है उसको बिग रखते हैं। अगर ऐसे लोग सिग्नेचर जो बिग अल्फाबेट में कर रहे हैं, फर्स्ट अल्फाबेट को बिग रख रहे हैं, ये ऐसे लोग आशावादी लोग होते हैं और ब्रेन से काफी स्मार्ट होते हैं, तेज होते हैं, अच्छे मस्तिष्क वाला इंसान आप इनको कह सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी, कोई भी व्यक्ति अपना सिग्नेचर अगर नीचे से टॉप टू डाउन, मतलब बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे लोग भी दिमाग के बहुत तेज होते हैं, आशावादी लोग होते हैं। आशावादी होने के साथ साथ इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही आपको नजर आएगा, अपने आत्मविश्वास के दम पर ये कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने सिग्नेचर को मान लीजिए टॉप टू डाउन लाते हैं, तो ऐसे लोग आपको नेगेटिव सोच वाले लोग मिलेंगे, नकारात्मक सोच वाले लोग मिलेंगे,
ऐसे लोगों को जो इस तरह के सिग्नेचर करते हैं, आपको उनके अंदर नेगेटिव थॉट, मतलब आप कहीं भी उनसे चर्चा करेंगे तो वो किसी ना किसी ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट लेंगे जिसमें मतलब नेगेटिविटी हो, यानी कि कोई ना कोई किसी की बुराई या कोई ना कोई किसी के लिए गलत बात करना। चौथे पॉइंट के ऊपर मैं आता हूँ, चौथे सिग्नेचर के ऊपर मैं यहाँ पर आता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो अपने सिग्नेचर को बहुत स्टाइल में करते हैं, यानी कि अगर वो मान लीजिए एस भी बनाएंगे तो एस को भी बहुत स्टाइलिश तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये आर्ट यानी कि जो कला है उससे रिलेटेड लोग होते हैं, आपको इनके अंदर एक अलग ही मतलब आर्टिस्टिक नेचर इनका होता है। और जो कला होती है, यानी कि मान लीजिए कि आप कोई भी नेचर से रिलेटेड हो या फिर कोई भी कलाकार व्यक्ति हो, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनके अंदर खुद के अंदर भी एक कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई ऐसी ब्यूटी जरूर होती है जो कला से रिलेटेड हो। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे पांचवें पॉइंट के ऊपर कि किस टाइप के सिग्नेचर। अगर देखें, मान लीजिए कोई व्यक्ति सिग्नेचर कर रहा है और उसके अंदर अगर मान लीजिए दो लाइन नीचे की तरफ उसने इस तरह से ड्रॉ कर दी, मान लीजिए किसी ने सिग्नेचर करी हो और दो लाइन नीचे की तरफ अगर ड्रॉ कर दी है, तो मान के चलिए ऐसा जो व्यक्ति है थोड़ा डरने वाला व्यक्ति से कह सकते हैं आप, मतलब जो इनके अंदर आत्मविश्वास है वो थोड़ा कम होता है। यानी कि अगर ऐसा है तो वो अपने अंदर एक असुरक्षा यानी कि असुरक्षित अपने आप को फील करते हैं एनी टाइम, मतलब उन्हें हर समय लगा रहता है ऐसे कि भाई मुझे कोई धोखा ना दे दे या मेरे साथ ये कोई गलती ना हो जाए। इस तरह के दो लाइंस वाले जो सिग्नेचर्स करने वाले लोग हैं, इनमें ये चीज देखी गई है। इसके अलावा कुछ जो अस्पष्ट तरीके से सिग्नेचर करते हैं, इनके बारे में मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कर ही दिया है कि वो भी थोड़े से अनबैलेंसिंग फॉर्म में आपको चलते हुए नजर आएंगे। और मतलब थोड़ा लाइफ के अंदर उनके जो बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उनकी लाइफ देखेंगे तो आपको वो अच्छी नजर नहीं आएगी। अब ये कुछ कैटेगरी मैंने यहाँ पर बताई थी आपको सिग्नेचर के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ राय देना चाहूंगा कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि हमारा जो बैंक बैलेंस है जो इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए मैं आपको राय देना चाहूंगा। सबसे पहले जब भी आप अपना सिग्नेचर करें तो उसको आपको डाउन डाउन टू टॉप ही रखना है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ही आपके सिग्नेचर जाने चाहिए। अगर आप इससे विपरीत काम कर रहे हैं, यानी कि आप ऊपर से नीचे कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, तो उस थोड़ी सी स्टाइल को चेंज कर दीजिए, अपने सिग्नेचर करने की स्टाइल को थोड़ा सा परिवर्तित कर दीजिए, उसको उससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड, अगर आप अपने फर्स्ट अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखते हैं तो उस अल्फाबेट को थोड़ा सा बिग कीजिए, आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उससे भी आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप अपने सिग्नेचर करते हैं उसमें नीचे लाइन खींचते हैं और डॉट लगा देते हैं, तो ये भूल के आप गलती ना करें, ये डॉट आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यानी कि कुल मिला के आपके जो बैंक बैलेंस है उसमें आपके इंक्रीमेंट को रोकेगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप सिग्नेचर करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप इसी सिग्नेचर को कुछ इस तरह से करते हैं और डॉट लगाने की बजाय आप सीधी लाइन खींचें डाउन टू टॉप, और अगर आप लाइन खींचने के बाद अगर यहाँ एरो का निशान भी आप ड्रॉ कर दें तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, काफी ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये कुछ मैंने आपको कंडीशंस बताई थी जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप अपने सिग्नेचर करेंगे और अगर पुराने सिग्नेचर को इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। और कुछ एक कैटेगरी अभी मैं और बताने जा रहा हूँ आपको सिग्नेचर करने का जिनका तरीका होता है। कुछ लोग आपको ऐसे सिग्नेचर करने वाले भी दिखेंगे जैसी उनकी हैंड राइटिंग है वैसी सेम टू सेम वो अपना सिग्नेचर करते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। जैसी वो अपनी हैंड राइटिंग लिखते हैं साफ उसी शब्दों में अपने सिग्नेचर करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं, बिल्कुल इस तरह के लोग होते हैं जो कोई भी चीज ओवर एक्टिंग करके नहीं दिखाते, एक्स्ट्रा करके नहीं दिखाते, जो उनके अंदर है वो एज इट इज प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। ऐसे लोग इस सभी कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट कैटेगरी के लोग माने गए हैं, सबसे बढ़िया कैटेगरी के लोग माने गए। तो ये कुछ सिग्नेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के पास एक बेल का ऑप्शन है उसे ऑन कर दीजिएगा, डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक तो पहुँच जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये वीडियो देखी है आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनमें शेयर कीजिए। डायरेक्ट YouTube के इसी वीडियो के नीचे शेयर ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्टली आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं Facebook, WhatsApp, किसी भी अपने दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क साइट के ऊपर। ओके, थैंक यू।